हेलो स्टूडेंट, वी आर लर्निंग क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंट. इन अकाउंट अवर टॉपिक इज रनिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. इन दिस टॉपिक टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 43. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 43 इज गिवन अस दिस इंफॉर्मेशन. द बैलेंस शीट ऑफ ए ऑन 31st मार्च 2018 अपीयर्ड एज अंडर. यहाँ पर बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 43 में ए की बैलेंस शीट दी है. ठीक है, यहाँ पर कोई और इसके साथ में पार्टनर नहीं है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ अकेला ए है जिसकी बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दी हुई है. उसके क्रेडिटर है 30,000 रुपीज़ से, कैपिटल है ए की 1,35,000 रुपीज़, असेट्स दी हुई है कैश 5,000 रुपीज़, डेप्टर्स 40,000, स्टॉक 50,000, फर्नीचर 7,500 रुपीज़, बिल्डिंग 60,000 एंड इन्वेस्टमेंट 2,500 रुपीज़. ओके स्टूडेंट, ये जो बैलेंस शीट दी हुई है हमें क्वेश्चन में वो सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, ए की. ठीक, हियर इज गिवन अदर इन्फॉर्मेशन. ही एडमिटेड बी फॉर 1/4 शेयर ऑफ द बेसिस ऑफ अबव बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट. ठीक है, उसने बी को एडमिशन दिया है 1/4 पार्ट के लिए. ठीक है, अपने बिजनेस में ए एडमिशन दे रहा है बी को 1/4 पार्ट के लिए, किसके बिजनेस में, ए के मतलब खुद के बिजनेस में. ठीक, हियर इज गिवन अदर इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट, टू प्रोवाइड 5% ऑन डेप्टर्स फॉर बेड एंड डाउटफुल डेप्ट्स. ठीक है, वी हैव टू क्रिएट हियर इन दिस क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% ऑन डेप्टर्स. ओके, हमें प्रोविजन बनाना है यहाँ पर डेप्टर्स पर 5% किसके लिए, डाउटफुल डेप्ट के लिए, संदिग्ध ऋण के लिए. ठीक है, संदिग्ध ऋण के लिए 5% हमें डेप्टर्स के ऊपर प्रोविजन करना है. नेक्स्ट दिया हुआ है टू रिवेल स्टॉक 45,000, फर्नीचर 5,000 एंड बिल्डिंग 70,000. इन्होंने मूल्यांकन किया असेट्स का, स्टॉक अब हो गया स्टॉक 45,000 रुपीज़, पहले स्टॉक था 50,000 रुपीज़. ठीक है, स्टॉक का मूल्यांकन किया गया, पहले स्टॉक था 50,000 रुपीज़ का, अब 45,000 का हो गया, मींस इस पर डेप्रिसिएशन लग गया 5%, मींस स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, डिक्रीज हो गई 5,000 रुपीज़ से. ठीक, इसके बाद में फर्नीचर 5,000, फर्नीचर था पहले 7,500 रुपीज़, अब हो गया 5,000, अगेन यहाँ पर डिक्रीज हो रही है असेट्स, मींस फर्नीचर की वैल्यू कितने से, 2,500 रुपीज़ से. ठीक है, स्टॉक ऑफ फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है. आगे दिया बिल्डिंग 70,000 हो गया, बिल्डिंग पहले थी 60,000 रुपीज़ की, अब 70,000 की हो गई, मीन्स इंक्रीज़ हो गई बिल्डिंग की वैल्यू. ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पर असेट्स, सिर्फ एक असेट्स वो है बिल्डिंग, कितने से, 10,000 रुपीज़ से. ठीक है, पहले 60,000 की बिल्डिंग थी, अब 70,000 की हो गई, मीन्स 10,000 इंक्रीज़ हो रही है असेट्स की वैल्यू. दो असेट्स की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हुई, स्टॉक और फर्नीचर और बिल्डिंग. ठीक है, स्टॉक और फर्नीचर डिक्रीज हो रही है वैल्यू, और फर्नीचर ये बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. ओके, थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कैश एंड इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी गिवन टू अ न्यू फर्म. जो ए की बैलेंस शीट दी हुई है हमें क्वेश्चन में, उसमें जो कैश और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, केस 5,000 रुपीज़ है, इन्वेस्टमेंट 22,500 रुपीज़. ठीक है, ये आगे फर्म में नहीं रहेगा, मीन्स इसे जो नया फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे हम, उसमें शो नहीं करना है, उसमें नहीं रखा जाएगा. ठीक है, केस और इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट बनी हुई है सिर्फ सिर्फ एक ही है, एक ही सेपरेट बैलेंस शीट है. ठीक है, तो वो चाहता है कि अब हमारी जो बैलेंस शीट रहे, हमारी फर्म रहे, उसमें मेरा जो केस था या इन्वेस्टमेंट था वो पर्सनली था मेरा, अब वो मैं नहीं रखना चाहूँगा, मीन्स वो खुद ले जाएगा इसे. ठीक, इसके बाद में दिया हुआ है वी विल ब्रिंग 2,000 फॉर गुडविल एंड 20,000 फॉर कैपिटल.
ठीक है। बी क्या करेगा, यहाँ पर लाएगा 2000 रुपये गुडविल के और 20,000 किसके लिए, कैपिटल के, ठीक है। बी को एडमिशन दे रहा है ए अपनी फॉर्म में, ठीक है, अपने बिजनेस में 1/4 पार्ट के लिए, तो उसके लिए 2000 रुपीस, तो गुडविल लेकर आएगा बी और 20,000 कैपिटल के लेकर आ रहा है। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट वी हैव टू मेक रिवोल्यूशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक। हमने देखा इसके पहले रूल रिवोल्यूशन अकाउंट के, अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और अगर डिक्रीज होती तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हमने क्वेश्चन में देखा सिर्फ बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो वी विल राइट इन क्रेडिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट ओनली बिल्डिंग बाय बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। बिल्डिंग पहले थी 60,000, अब 70,000 की हो गई, मीन्स 10,000 रुपीज इंक्रीज हो रही है बिल्डिंग की वैल्यू, ठीक। हमें क्वेश्चन में दिया है डेप्टर्स पर 5% प्रोविजन करना है, सो वी विल राइट हियर प्रोविजन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेप्ट, ओके 5% ना, ऑन डेप्टर्स, डेप्टर्स वैल्यू इज गिवन 40,000, ठीक है। 40,000 अब 5% फाइंड आउट करेंगे हम, हो जाएगा 2000, ठीक है। इसके बाद में डिक्रीज हो रही है असेट्स की वैल्यू, कौन कौन से असेट्स की वैल्यू, स्टॉक और फर्नीचर, ठीक है। सो हियर वी विल राइट इन डेबिट साइड टू स्टॉक, स्टॉक पहले था 50,000, अब 45,000 हो गया, मीन्स 50,000 था पहले, अब 45,000 हो गया, मीन्स 5,000 रुपीज डिक्रीज हो रहा है। स्टॉक के बाद में फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, फर्नीचर था पहले 7,500 रुपीज, अब फर्नीचर हो गया 5,000, ठीक है। 2,500 रुपीज फर्नीचर की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। नाउ स्टूडेंट वी विल फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन, ओके। 10,000 रुपीज इंक्रीज हो रही है असेट्स बिल्डिंग की वैल्यू और टोटल डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर 7,500 रुपीज़, ठीक है। सो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10,000 में से 9,500 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 500 रुपीज़ क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन के कारण प्रॉफिट हो रहा है। हियर स्टूडेंट वी विल राइट टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट। यहां पर स्टूडेंट सिर्फ एक ही व्यक्ति था ए बिजनेस में, एक ही बिजनेस था ये, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कौन ले लेगा, ए ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है इस प्रॉफिट को, क्योंकि कोई पार्टनर है नहीं इस बिजनेस में, सिर्फ एक ही
व्यक्ति है। ओके स्टूडेंट, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मेक बैलेंस शीट ऑल्सो। इन बैलेंस शीट वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्टर। ओके, डेप्टर दिए हुए हैं हमें, डेप्टर से 40,000 रुपीज के, ठीक है, 40,000 के डेप्टर्स, इस पर प्रोविजन किया था हमने, ठीक है, आयोजन किया कितने का, 2,000 रुपीज से, लेस करना है प्रोविजन को, 38,000 के अब डेप्टर्स हो गया। मैंने केस क्यों नहीं लिखा, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यहाँ पर केस, ठीक है, केस और इन्वेस्टमेंट को न्यू फर्म की बैलेंस शीट में नहीं रखा जाएगा, हम न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं यहाँ पर ए और बी की, इसलिए न्यू बैलेंस शीट में केस को नहीं रखना, इसलिए हमें केस और इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है। नेक्स्ट, हियर इज गिवन स्टॉक, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू है 50,000 रुपीज, स्टॉक की वैल्यू भी माइनस हुआ है, ठीक है, 50,000 माइनस 5,000, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू आप कितनी हो गई, 45,000 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। फर्नीचर की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, फर्नीचर है 7,500 अब हो गया 5,000 का, 7,500 इसमें अब 5,000 का हो गया, मीन्स 2,500 रुपीस डिक्रीज हो रहा है, तो अब स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया 5,000 रुपीस। नेक्स्ट, बिल्डिंग 60,000 की थी, अब 70,000 हो गया, ठीक है, 60,000 प्लस 10,000 इंक्रीज हो रही है वैल्यू बिल्डिंग की, बिल्डिंग हो गई 70,000 रुपीज। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट फॉर्म में नहीं रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट को हम नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट यह हुआ है, अब लाइबिलिटी साइड में आते हैं हम, क्रेडिटर दिए हुए हैं। ओके, स्टार्टिंग में क्रेडिटर्स, लेनदार दिए हुए हैं 30,000, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ, डायरेक्टली ऐसे ही लिखना हमें 30,000 रुपीज। नेक्स्ट, दिस गिवन कैपिटल, वन लेख 35,000 रुपीज। ओके, वन लेख 35,000, इसमें वन लेख 35,000 में जो बी गुडविल लेकर आ रहा है, ठीक है, गुडविल आ रहा है 2,000 रुपीज, और यहाँ पर जो बी गुडविल के लेकर आ रहा है 2,000, वो ऐड कर देंगे हम इसकी कैपिटल में, और ऐड करना है हमें रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। मैंने लिखा था यहाँ पर प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, मींस एज कैपिटल में ऐड करेंगे हम 500 रुपीस को, ठीक है, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट को, मींस 1,35,000 रुपीस ए की कैपिटल थी, प्लस बी जो गुडविल के लेकर आ रहा है वो गुडविल रख ली उसने, उसके बाद में रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट आया था प्रॉफिट भी हमने ऐड कर दिया, एंड इसमें से हमें लेस करना है जो केस
इसमें से ले जाएगा अपनी फर्म से, वो केस था उसका 5000 रुपीस और इन्वेस्टमेंट था 2500 रुपीस, सो वी विल लेस बोथ अमाउंट। ओके, यहाँ पर 135000 में 2000 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 137000 प्लस 500, 137500 और माइनस करेंगे 7500, सो यहाँ पर आएगा ये 130000 रुपीस। ठीक है, ये सारी अमाउंट माइनस करने के बाद में हो जाएगा ये 130000 रुपीस। इसके बाद में ये है ए की कैपिटल। ठीक है, ये पूरा जो कैलकुलेशन किया था हमने, ये एस कैपिटल है। ठीक, ए की कैपिटल पहले 135000 थी, 2000 जो गुडविल लेकर आ रहा है, बी वो ऐड कर दिया प्लस 5000 रुपीस रिवेल्यूशन प्रॉफिट को ऐड कर दिया, माइनस 5000 केस जो उसका था फॉर्म में वो ले गया वो, और 2500 रुपीस इन्वेस्टमेंट था वो भी ले गया। ठीक, बीस कैपिटल वी विल राइट हियर, बी लेकर आ रहा है 20000 रुपीस एज अ कैपिटल। ओके स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर बी लेकर आ रहा है 20000 रुपीस एंड 2000 रुपीस, मीन 22000 रुपीस केस इंक्रीज हो रहा है, सो न्यू केस हो जाएगा फर्म में 2000 प्लस 20000, ये हो गया 22000 रुपीस। ठीक है, हमने जो पुराना केस था फर्म में उसमें ऐड नहीं किया, पहले केस था हमारे पास 5000 रुपीस। ठीक है, वो 5000 रुपीस पर्सनली था ए का, तो ए कैपिटल में से माइनस कर दिया इधर हूँ, और उधर केस में से भी हमने उसे माइनस कर दिया, मतलब केस को जीरो कर दिया, इसका मतलब ये हो गया केस नहीं है अब न्यू फॉर्म में। ठीक है, दोनों साइड से माइनस होगा वो। ठीक है, कोई से भी चीज़ जैसे केस गया उधर से, असेट्स में से केस गया, हमने 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था, अगर इस साइड में से कोई से अमाउंट माइनस होती तो मीन्स असेट्स में से तो लाइबिलिटीज में से माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर केस जा रहा है तो यहाँ से कैपिटल चली जाएगी। ठीक है, 5000 रुपीस से। ठीक, उधर इन्वेस्टमेंट गया तो यहाँ कैपिटल में से इन्वेस्टमेंट भी उतनी अमाउंट से माइनस कर दिया हमने। ओके स्टूडेंट, सो उसके बाद में हमने यहाँ लिखा केस 2000, ये न्यू केस है। ठीक है, जो बी कैपिटल और गुडविल के लेकर आ रहा वो लिखा है हमने, 2000 गुडविल लेकर आ रहा है, 20000 कैपिटल के लेकर आ रहा, दोनों साइड का टोटल करना है हमें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, यहाँ टोटल हो गया असेट्स लाइबिलिटी साइड का 180000 एंड असेट साइड का 180000 रुपीस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें जो दिया था वो सिर्फ और सिर्फ ए की बैलेंस शीट दी थी, ए ने बी को एडमिशन दिया पार्टनरशिप में 1/4 पार्ट के लिए, बी गुडविल के 2000 रुपीस और कैपिटल के 20000 लेकर आ रहा है, 20000 रुपीस एज अ कैपिटल हमने यहाँ पर लिख दिया 20000, और गुडविल लेकर आ रहा है, गुडविल सिर्फ एक ही पार्टनर एक ही व्यक्ति है बिजनेस में, तो उसने टोटल ले लिया 2000, उसकी कैपिटल में हमने ऐड कर लिया 1,138,000 में 2000 रुपीस, प्लस रिवेल्यूशन पे जो प्रॉफिट हुआ वो ए ने रख लिया 5000, दोनों ऐड हो गया, दोनों अमाउंट उसकी कैपिटल में, उसकी कैपिटल इतने अमाउंट से मीन्स 2500 से इंक्रीज हो गई। उसके बाद में 5000 रुपीस केस ले गया वो, और इन्वेस्टमेंट भी बी ने ए ने कहा कि नई फर्म में मेरा केस और इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। ठीक, तो दोनों को दोनों अमाउंट हमने माइनस कर दी उसकी कैपिटल में से, और उधर असेट साइड में से हटाई दी उसको। ठीक है, तो अब उसकी न्यू कैपिटल हो गई 130000 रुपीस ए की। इसके बाद में बीस कैपिटल हो गई 20000, क्रेडिटर एज इट इज लिख दिया, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इस साइड में डेप्टर्स प्रोविज़न करना था माइनस कर दिया प्रोविज़न, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, फर्नीचर की कम हो गई,
ठीक है, और बिल्डिंग की इंक्रीज हो गई। इसके बाद में केस हो गया हमारे पास 22,000 रुपीज से। ओके स्टूडेंट, हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 43।